लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की प्रियदर्शनी ने अब सारा ठीकरा फोड़ दिया है पुलिस पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में आरोपी लड़की प्रियदर्शनी ने नया दावा किया। मीडिया से बात करते हुए प्रियदर्शनी यादव ने कहा है कि वे कैब ड्राइवर से पिटाई के मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। प्रियदर्शनी यादव ने कहा कि वह पैचअप करना चाहती है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिछले 6 महीने की सीसीटीवी फुटेज जज के सामने पेश करेंगी। थप्पड़बाज गर्ल प्रियदर्शनी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अब केस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं और कैब ड्राइवर से पैचअप करना चाहती हैं। हालांकि प्रियदर्शनी यादव का ये भी कहना है कि अगर कैब ड्राइवर ने पैचअप नहीं किया तो वह उसको हरा देंगी। प्रियदर्शनी यादव ने कहा कि अगर पुलिस अपना ठीक से काम करती तो वह थप्पड़ गर्ल नहीं बनती और उस समय कैब ड्राइवर की पिटाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस ने और कानून ने अपना काम नहीं किया। इस वजह से उसने कानून को हाथ में लेकर थप्पड़ चलाए। लखनऊ गर्ल का ये भी कहना है कि 6 महीने से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। प्रियदर्शनी ने कहा कि ये एक तरफा प्यार भी हो सकता है कि कोई उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता हो। तो वहीं काले गेट के वायरल वीडियो पर प्रियदर्शनी यादव ने कहा कि ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है और कोई अपने गेट को काला या घर को काला नहीं करता। वहाँ पर ब्लैक एक्टिविटी होती थी, इस वजह से मैंने मना किया, लेकिन वहाँ भी अगर पुलिस अपना काम करती तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैब ड्राइवर के आरोपों पर प्रियदर्शनी यादव ने कहा कि मैं जज के सामने जाऊंगी और पिछले 6 महीने के सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर कितनी बार हमला हुआ, मैं ये सब करूंगी। तो लखनऊ गर्ल का ये भी कहना है कि पुलिस वाले कहते हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर रहती हूँ, सड़क पर रोज जॉगिंग करती हूँ, तो इसमें गलती सरकार की है, सरकार ने पार्क बंद कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में मैं सड़क पर ही तो जाऊंगी। आपको बता दें कि पहले कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई, फिर काले गेट विवाद से चर्चा में आई प्रियदर्शनी ने अब पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रियदर्शनी का कहना है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, यदि पुलिस अपना काम करती तो उन्हें इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेना पड़ता। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।